आजकल बैंक्स के सामने सबसे बड़ी समस्या बैड डेब्ट्स की है और अब मंथन होने लगा है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। आज भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स कई कंपनीज को लोन देकर पछता रहे हैं। आज इन बैंक्स का करीब 40 लाख करोड़ रुपया इस बैड डेब्ट के जाल में फंस गया है, यानी ये पैसे डूबते नजर आ रहे हैं। इसीलिए अब उन मानकों पर उंगलियां उठ रही हैं जिन्हें वर्षों से अपनाया जा रहा है। कि 100 रुपये का यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके अंदर में 66 रुपीज़ तो सेफ कैपिटल है और 34 रुपया आपका रिस्क कैपिटल है। तो सर ये हर प्रोजेक्ट में सेम रेशियो कैसे हो सकता है? कल को यदि आपने किसी प्रोजेक्ट को लेंड किया और 4 साल बाद वो फैक्ट्री नहीं चली और यदि उसको बेचने जाते हैं तो आपको 10 रुपये या 20 रुपये मिलता है। तो आपका जो डेट, आप जो पहले जो 66 रुपीज़ को जो सेफ कैपिटल मान रहे थे, 4 साल बाद वही फैक्ट्री बेचते हैं तो आपको 20 रुपये मिलता है। तो सर ये डेट कैपिटल तो सर 20 रुपये होने चाहिए। पहले क्या होता था कि सर बिजनेस साइकिल 10 साल की हुआ करती थी। कोई भी कमोडिटी की जो प्राइसेस है सर उसका हाई लो देखेंगे तो सर वो 5-7 साल के अंदर हाई लो होता था। सर आज के दिन में 6 महीना में हाई लो हो जाता है। सोने का प्राइसेस सर ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो सर वो 6 महीने 8 महीने में हो जाता है। इसका मतलब आपका बिजनेस साइकिल घट के सर 8 साल से घट के 1-2 साल हो गया। अब बैंक 15 साल का असेसमेंट करेगा कैसे? तो बैंक को अपना जो परसेप्शन है, बैंक का जो लोन देने का जो तरीका है सर उसको चेंज करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने पड़ेंगे। बैंक्स कंपनीज को वर्किंग कैपिटल भी देते हैं और जब कंपनीज घाटे में जाती हैं तो वर्किंग कैपिटल को वसूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या होता है कि सर हर साल एवरी ईयर उसका रिन्यूअल होता है, हर महीने आप उसका स्टॉक स्टेटमेंट देते हो, सब कुछ करते हो सर। बैंक उसको अच्छे से मॉनिटर भी करता है सर। अभी तक कोई भी बैंकिंग दोस्त हमें ये बता दे कि सर कोई भी यूनिट यदि सिक हो गई है तो क्या वो 1 रुपया भी वर्किंग कैपिटल जो उसने लेंड किया था उससे उसको वापस नहीं मिला था। इसका मतलब आज के दिन बैंक यदि 55% अपना लोन अमाउंट मतलब 40 लाख करोड़ का यदि वो 20 लाख करोड़ भी यदि वो वर्किंग कैपिटल में दे रखा है और अभी तक का इतिहास या हमारे पास जो फिगर वर्क अवेलेबल है उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल यदि कोई लेंडिंग कर देता है उसके अगेंस्ट में बैंक को कुछ भी पैसा रियलाइज नहीं होता यदि यूनिट खराब हो जाती है तो। अब ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि लोन देने में इस्तेमाल होने वाले मापदंडों को सामयिक बनाने की जरूरत है और कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के गुर भी सीखने होंगे। जो रिकवरी का जो प्रोसेस है सर, हमारे यहाँ जो रूल्स लॉज जो हैं सर रिकवरी के सर, एक तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए। आज कोई एसेट जब ख़राब होता है हम उसके बाद ही हम उसके ऊपर रिएक्शन में जाते हैं सर। बैंक को अपना प्रोसेस सिस्टम ऐसा करना चाहिए कि सर कोई भी कंपनी जब सिक होना शुरू करती है उसके 1.5-2 साल पहले से उसमें सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल का या तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, देयर शुड बी सम मैकेनिज्म इन प्लेस जो बैंक को अर्ली वार्निंग सिग्नल का सिस्टम उनको लगाना चाहिए कि सर ये कंपनी में दिक्कत आ सकती है 2 साल बाद में। तो जिस दिन ये प्रमोटर के मन में यह भय हो जाएगा कि मैं यदि मैं लोन ठीक से नहीं चुका पाऊंगा या बैंक का लोन में यदि डिफ़ॉल्ट करूंगा तो इसे कंपनी वापस ले ली जाएगी, बैंक अपने साथ में एक मैनेजमेंट कंपनी बनाए जो कि सिक कंपनी को टेक ओवर करे और उस कंपनी को चलाए और चलाने के बाद में 1-2 साल बाद वो कंपनी को चाहे बेच दे। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए हमें बैंकिंग प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने होंगे।
सिलेंडर।